हेलो फ्रेंड्स, मधु ब्लॉग में आपका स्वागत है। शाम का टाइम है और हम अभी चल रहे हैं, शाम की रूटीन हम आपको दिखा रहे हैं कि आज हम क्या क्या बना रहे हैं। आज मेरे बेटे की फरमाइश है मखनी दाल और चावल, ये दोनों चीज़ बनाना है। और चलिए हम अपने साथ हम आपको ले चलते हैं किचन में और आज शाम की रूटीन का हम आपके साथ। गरम हो गया है तो पहले डालूंगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, डालूंगी प्याज। अब इसको ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। थोड़ा चम्मच में दाल मसाला, जीरा पाउडर, बेकिंग मिर्च। प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें ऐड कर दी धनिया का पत्ता। अब ये हमने नई दूध से उतारा हुआ था मलाई, हमको पूरी अच्छे से मलाई को इसमें मलाई भी डाल देंगे। अब इसमें ऐड कर दी मैं ये दाल, कटोरी ऐड करूंगी इसमें। प्योर ढाबे वाला बनेगा हमारा। उसके लिए मैंने अब चावल बनाऊंगी। चावल पहले से ही धो के और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। अब मैं बनाऊंगी चावल, सिंपल बनाऊंगी। जीरा और देसी घी डाल के तड़का लगा दूंगी, छौंक लगा दूंगी। और मैं हमेशा कढ़ाई में ही बनाती हूँ चावल, मैं कुकर के चावल बने हुए कभी नहीं खाती। हमेशा या तो पतीले में बनाऊंगी बॉयल चावल, और अगर मेरे को नमकीन चावल बनाना हो, बिरयानी बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। और कुकर में मैं नमक ले चुकी, और जीरा थोड़ा ज़्यादा डाल दी हूँ। तड़का में बहुत अच्छा लगता है चावल के तड़के में जीरा। 2 चम्मच यहाँ जीरा डाल दिया है और 4-8-10 काली मिर्च। बहुत टेस्ट भी अच्छा बनता है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। इसको डाल दूंगी चावल, थोड़ा सा ऐड कर दूंगी नमक, पानी ऐड कर दूंगी। शाम का खाना मैं अभी बना चुकी हूँ और डिनर थोड़ी देर बाद करेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा नहा हुआ लेती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ। और यूँ ही मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।